आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से मैं बता दूं कि आप इसके हैं नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं, अबाउट सेक्शन जाइए, वहाँ पे ब्लॉगर है जो स्ट्रिक्टली बेस्ड है गेट एग्जाम पे, तो आप लोग नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्यूज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्यूज जो होता है हमारा कोई भी शॉर्ट पीस ऑफ मेटल होता है, ठीक है। यह जो होता है हमारा कोई भी शॉर्ट पीस ऑफ मेटल होता है, किसी भी सर्किट के अंदर हम लोग इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारा मेल्ट करता है, कब मेल्ट करता है, जब भी इसमें हमारा एक्सेसिव करंट जो है फ्लो करता है तो यह मेल्ट करता है, ठीक है, या इसको सर्किट को ब्रेक कर देता है, ठीक है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिसके कारण से करंट फ्लो नहीं होती और हमारे अप्लायंस को बचाती है, ठीक है। अब कुछ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे फ्यूज एलिमेंट का, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। फ्यूज एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कोई भी उसमें से जो नॉर्मल करंट जो हमारा पास होता है विदाउट ओवर हीटिंग, जब करंट उसमें जो एक्सीड कर जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो होता है हमारा सर्किट जो है डिसकनेक्ट कर जाता है, जिसके कारण से हमारा कुछ कुछ ये आते हैं। देखिए कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक है वो देखिए। पहला जो है इसमें हमारा लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, जैसे कि टीन हो गया, लीड हो गया, इसमें जो होता है हमारा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और इसमें हाई कंडक्टिविटी होता है, जैसे कि सिल्वर कॉपर इसमें हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि उसमें हाई कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है कि यह फ्री फ्रॉम डेटोरेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन, जैसे कि सिल्वर, इसमें कोई भी ऑक्साइड नहीं होना चाहिए, ठीक है, एयर से, जिसके कारण से ऑक्साइड आ जाएगा तो करंट उसमें से ये फ्लो नहीं कर पाएगा, रेसिस्टेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब आते हैं लो कॉस्ट, इसका जो प्राइस जो है लो कॉस्ट होना चाहिए, जिसके लिए टीन कॉपर हो गया, उसका जो प्राइस जो है सस्ता होना चाहिए। तो हम लोग चार पॉइंट देख लिए फ्यूज का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होना चाहिए। पहला हम लोगों ने देखा लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई कंडक्टिविटी, फ्री फ्रॉम डिटोरेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन, और इसके बाद लो कॉस्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूज, जो फ्यूज का जो टाइप है वो देखिए। लो वोल्टेज फ्यूज हो गया, सेमी इनक्लोज रीवायरेबल फ्यूज, HRC हो गया, कार्टेज फ्यूज, जो उसको हम लोग हाई रप्टरिंग कैपेसिटी HRC कार्टेज फ्यूज कहते हैं। फिर उसके बाद HRC फ्यूज विथ ट्रिपिंग डिवाइस, ये हो गया। फिर उसके बाद हाई वोल्टेज फ्यूज में देखिए क्या क्या आ गया। हाई वोल्टेज फ्यूज में हमारा कार्टेज फ्यूज हो गया, लिक्विड टाइप हो गया, मेटल क्लैड फ्यूज हो गया, सभी का हम लोग डायग्राम देखेंगे। यह देखिए HRC का आप लोग देखिए, हाई रप्टन कैपेसिटी का आप लोग डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ये डायग्राम हो गया HRC का, सेमी इनक्लोज रीवायरेबल फ्यूज और किटकैट फ्यूज का ये डायग्राम हो गया, देखिए ये देखिए सेमी इनक्लोज रीवायरेबल फ्यूज, ये हो गया। फ्यूज उसके बाद जो आता है हमारा HRC फ्यूज विथ ट्रिपिंग डिवाइस, यह हमारा HRC फ्यूज है विथ ट्रिपिंग डिवाइस है, ये देखिए HRC फ्यूज विथ ट्रिपिंग डिवाइस आप लोग देख रहे हैं। ये पहला आप इसमें देख रहे हैं, दो इसमें डायग्राम शो हो रहा है, एक ट्रिपेड है एक नॉन ट्रिपेड है, क्लियर है हमारा। अब आते हैं देखिए कार्टेज टाइप फ्यूज, देखिए आप लोग लो वोल्टेज, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम है यह। कार्टेज फ्यूज देखिए आप लोग लो वोल्टेज के लिए, और कार्टेज टाइप फ्यूज देखिए हाई वोल्टेज के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है लिक्विड टाइप मेटल क्लैड फ्यूजेज, यह हमारा मेटल क्लैड फ्यूजेज है और यह लिक्विड टाइप है। अब हमारा फ्यूज एलिमेंट मटेरियल देखिए, फ्यूज एलिमेंट मटेरियल क्या क्या होना चाहिए। यह जो होता है मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल हम लोग फ्यूज बनाने के लिए जैसे यूज करते हैं, जैसे कि लीड हो गया, टीन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सब जनरली हम लोग यूज करते हैं बनाने के लिए। कृपया आप लोग हाईलाइटेड पॉइंट जरूर देखिएगा उस पर। देखिए जब भी इसमें स्मॉल करंट फ्लो करता है, जैसे कि 10 एम्पेयर, जैसे कि टीन हो गया, LY हो गया, लीड हो गया, तो उसमें 37% जो होता है लीड होता है और 63% जो होता है टीन का मात्रा होता है। कोई भी हम लोग उसमें हम लोग कोई भी फ्यूज बनाते हैं तब उसमें का इसका जो रेशियो है आप लोग देख सकते हैं, ये जो रेशियो आप लोग देख रहे हैं 37% और 63%। अब देखिए कोई भी हम लोग जो है लार्जर करंट जैसे कि फ्लो करता है, जैसे कि कॉपर और सिल्वर के द्वारा, उसको हम लोग ये ऑक्सीडेशन से हम लोग बचाते हैं। क्या चीज़ से बचाते हैं? ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जिंक जो होता है हमारा बहुत ही अच्छा होता है कोई भी फ्यूज के लिए, टाइम लैग के लिए, उसको हम लोग जल्दी जल्दी मेल्ट नहीं करता है, जब स्मॉल ओवरलेट पे जल्दी मेल्ट नहीं करता है, जिंक का कुछ प्रॉपर्टीज है। अब देख लीजिए अब हम लोग कुछ फ्यूज के प्रॉपर्टी देखेंगे। सिल्वर जो होता है हमारा बहुत ही हाई कॉस्ट होता है,
ठीक है, किस लिए इसका हाई कॉस्ट होता है वो देख लीजिए। यह जो होता है फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन होता है, हमारा जो सिल्वर जो होता है फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण इसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है। और उसके बाद ये जल्दी एयर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, वही चीज़ हो गया। और इसका जो कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन जो होता है सिल्वर का, वह बहुत ही कम होता है। जो कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन जो होता है सिल्वर का, वो बहुत ही कम होता है। और इसमें, और इसका जो कंडक्टिविटी जो होता है सिल्वर का, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। सिल्वर का जो कंडक्टिविटी जो होता है बहुत ही हाई होता है, जिसके कारण इसका रेटिंग जो होता है फ्यूज का, जो कोई भी रेटिंग जो होता है फ्यूज एलिमेंट का, सिल्वर मेटल का, सिल्वर मेटल का रिक्वायर्ड होता है स्मॉलर देन द अदर मटेरियल, समझ रहे हैं। और उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है जो है, इसका लो स्पेसिफिक हीट होता है। इसमें जो होता है लो स्पेसिफिक हीट होता है, सिल्वर फ्यूजिबल एलिमेंट जो होता है वह रेस्ट करता है कोई भी नॉर्मल टेम्परेचर से वेपोराइजेशन क्विकर देन द फ्यूजिबल एलिमेंट, ठीक है। अब उसके बाद जो होता है सिक्स पॉइंट पे आते हैं, तो सिल्वर वेपराइज करता है एट टेम्परेचर जो लोअर होता है किसी भी वेपर से, जो रेडली आयनाइज कर जाता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ फ्यूज। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है फ्यूज का वो देखिए, करंट रेटिंग जो होता है फ्यूज एलिमेंट का वो देखेंगे, फिर उसके बाद फ्यूजिंग करंट देखेंगे, तो उसका हम लोग डायग्राम उसके बाद डिस्कस करेंगे किस तरह उसका डायग्राम है, तो उस पर डिस्कस करने के बाद हम लोग फ्यूजिंग फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोस्पेक्टिव करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ फ्यूज, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा।